बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म कोसेकेंट की फॉर्म में हो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कोसेकेंट की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले सीखे रेसिप्रोकल की वैल्यू। जैसे कि पहले करते आए हैं, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा। तो साइन की वैल्यू कोसेकेंट की टर्म में आ गई। ठीक, अब कोसेकेंट की टर्म में जो करना है तो कोसेकेंट की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, यानी 1 cos² θ बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा यहीं पड़ा रहे, 1 उस साइड पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दोनों को मैं यहां पे अगर ले लूं स्केयर रूट, तो स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस की फॉर्म में क्या चीज आ गई, कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। तो कॉट की वैल्यू आ गई कोसेकेंट की टर्म में, ये दो वैल्यूज हो गई। कॉट की वैल्यू आ गई तो टेन की वैल्यू निकालना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है। टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/cot θ का। 1 का 1 आ गया, cot की जगह cot की वैल्यू पुट करने कितनी, अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये प्लस माइनस आ गया, तो tan की वैल्यू ये आ गई। इसकी टर्म में कोसेकेंट की टर्म में। अब अगली बात, tan थीटा बराबर होता है sin/cos θ। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये आ गया कॉट थीटा। इसी को अब टेन का रेसिप्रोकल जब कॉस होता है, कॉट होता है, तो टेन की वैल्यू भी कॉट के क्या होगी, उलट होगी। कॉस कहां चला जाएगा, ऊपर, और साइन कहां आ जाएगा, नीचे। तो इस चीज को यूज करते हुए कॉट किसके इक्वल हो गया, कॉट थीटा इक्वल है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, cos मल्टीप्लाई बाय 1 cos थीटा, cot मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, cot थीटा sin थीटा। हमने वैल्यू देनी है कोसेकेंट की टर्म में, ना ये कोसेकेंट है ना ये कोसेकेंट है, इसका मतलब है इसकी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इसकी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है cos थीटा इज इक्वल टू cot की जगह cot की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह वैल्यू आ गई कितनी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन साइन किसके इक्वल, 1/cosec। तो ये आ गया 1/cosec θ। सो cos थीटा इज इक्वल टू, ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कौन, कोसेकेंट थीटा। cos की वैल्यू आ गई तो secant की वैल्यू निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि cos का उलट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, secant होता है। तो cos का रेसिप्रोकल secant थीटा हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल जो है तो उलट जाएगी, cosecant थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, और g अंडर रूट नीचे आ जाएगा, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस माइनस की फॉर्म। तो ये sin की वैल्यू भी आ गई, cot की वैल्यू भी, tan की वैल्यू भी, cos की वैल्यू भी आ गई, secant की वैल्यू भी आ गई। ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। 1/1 हम लोगों ने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्रेस किया, sin में भी, cos में भी, tan में भी, cosecant में भी, secant में भी, cot में भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।